स्वीटहार्ट, आप लोग रेडी हैं जानने के लिए? हाँ। तो जरा देखेंगे क्या हो रहा है आपके बेबी। मुंह खोलेंगे आप? नहीं खोलेंगे ना। हाँ। हले मुझे प्रिचर बैक ला अंदर। हाँ मालूम है कि दिस इज गोना बी सम पेन फॉर यू, बट डोंट वरी बेबी। देखिए आप अंदर, ठीक है ना, पूरा क्लियर है। जो वाइट वाइट है ना, वो क्या है? दैट इज दी डेपोजिट, जो आप दूध दे रहे हैं, जो भी खाना। तो आप क्या करो ना, आफ्टर यू गिव मिल्क और वॉट एवर सेरेलैक वॉट एवर, गिव सम वाटर, तो दैट हैज़ बी क्लियर। द पैलेट इज इन वेरी गुड शेप नाउ, ऑल द स्टिचेज आर इंटैक्ट। द स्टिचेज विल टेक 4 to 5 weeks टू टोटली डिजॉल्व, तो गॉट बी वेरी केयरफुल फॉर दैट मच टाइम। जब वो सूखेगा ना, तो थोड़ा खुजली होगा बच्चों को, तो उंगली डालेंगे या पेंसिल या चाबी या एनीथिंग, तो पूरा देखो आप। इसके बाद कुछ सर्जरी नहीं होना, ज़रूरत नहीं पड़ेगा बेबी को, लेकिन 3.5 years, 4 years में एक स्पीच असेसमेंट करेंगे कि सब कुछ नॉर्मल है, कंफर्म करने के लिए स्पीच केस पे। ईयरली एक बार हमसे आप कॉन्टैक्ट करो टिल शी बिकम्स 16 years, क्योंकि ना किसको ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम हो, किसको दांत में क्या हो, ये करेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो एक बार अगर आप देखोगे तो वो पूरा डाउट जो भी है वो क्लियर हो जाएगा। सर, दो दिन से इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम। हाँ, बिकॉज ऑफ द पेन। वो धीरे धीरे सही होगा, नहीं कर रहा है, मुंह में तो लगता है बहुत, क्योंकि ना सॉल्व करते समय ऊपर का मुंह होता है। okay. और सर्जरी करके मसल को अभी ज्वाइन किया है ना, मसल ऐसा वो स्लिंग की तरह बैठा है अभी नया, तो दर्द होगा उनको मतलब एक हफ्ता 10 दिन तक नहीं होगा। बाद में दर्द कम होगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। ऑलरेडी फाइन है सब कुछ अंदर से, और ये कफ सब भी सही हो जाएगा। आप लोग कब निकल रहे हैं, आज की कल? नहीं, कल। चलो। और वो बाद में अगर वहाँ पे कोई कुछ डॉक्टर पीडियाट्रिशियन को दिखाओ, अगर जब बुखार कुछ भी हो पीडियाट्रिशियन को दिखाओ। हाँ, वी आर गिविंग मेडिसिन, बट इवन देन यू कैन शो द पीडियाट्रिशियन इफ देयर इज एनी पेन और एनीथिंग, एनी फीवर, स्पेशली कॉफ कोल्ड वॉट एवर, जस्ट डायरेक्टली शो एंड टेल देम सर्जरी वाज डन, वी विल टेक द रिपोर्ट एंड गो। वहाँ पे कोई मेडिसिन दे तो अगर वो खाए? हाँ, वहाँ पे कोई चार्ज कुछ नहीं होगा, जो दे रहे वो दे दो, अगर वो वहाँ भी देंगे तो। और इसका थोड़ा सा नाक बंद हो जाता है वो नेज़ल, दैट इज़ बिकॉज जो पैलेट सर्जरी है नाक और मुंह के बीच में है, तो इसीलिए नाक बंद होता है, वो बाद में ओपन हो जाएगा अपने आप। अभी स्टिचेस भी लगेंगे अंदर से, इसके वजह से वो नॉर्मल हो जाएगा 2-3 हफ्ता मैक्सिमम 1 month। नहीं, उसको क्या कोई नेज़ल ड्रॉप क्या मिलेगा? नहीं, ज़रूरत नहीं, नहीं नहीं, नेज़ल ड्रॉप ज़रूरत नहीं है। कैसे देख रही है? फोटो खींचे? हाँ पक्का, अरे पक्का लेंगे। चलो आप लोग कहाँ जाने वाले? आ जाओ। अरे मेरी मम्मी को बुला दो, थोड़ा मेरी मम्मी बाहर बैठी है। हेलो, मेरे पास आ रही हैं आप? ले लीजिए, ना रोगा तो फिर रोएगी तो, और रोएगी रोएगी। हेलो, नहीं रोना नहीं, रोना नहीं, इसको बुला के सॉरी। चलो, थैंक यू, या बाय। नो, स्टार्ट स्पीच थेरेपी विल नॉट नीड स्पीच थेरेपी। आई एम सेइंग अराउंड 3.5 years यू जस्ट, हाँ, वी हैव टू डू व्हाट इज कॉल्ड अ स्पीच असेसमेंट, दैट्स ऑल, नॉट नीड एनीथिंग, 99%। ओके, डोंट वरी सर। वो जो स्पीच के जो बोला था असेसमेंट कर लेके हर साल? नहीं, हर साल नहीं, सिर्फ 3.5 में। हर साल हमें एक बार तो कॉन्टैक्ट करो, अच्छा बेबी अच्छा है, बड़ी हो रही है ऐसा। बिकॉज क्या होता है ना, किसी का दांत टेढ़ा नीढ़ा नहीं आएगा, फिर आपको डाउट होगा तो हम बताएंगे नहीं कुछ नहीं करना, नहीं तो बोलेंगे इसको निकालना है ऐसे। अब किसी को ना ये ऊपर का जबड़ा अच्छी तरह से ग्रो नहीं होगा, अब
आप फादर है ना, तो आपके अपर जॉ थोड़ा अंदर है ऑलरेडी, तो वो जेनेटिक्स ऐसा हो सकता है, मालूम नहीं, नहीं भी हो सकता है। तो अगर हुआ तो क्या करना है इसके लिए, एडवाइस के लिए ये सब, बट कुछ करेंगे नहीं। जनरली हम क्या बोलते हैं ना, हर पेशेंट को टिल दे बिकम अडल्ट ईयरली वन कंसल्टेशन, बट आप दूर में हैं तो मैं नहीं बुला सकता ना इतनी दूर, हो सकता है तो एक बार, तो दैट्स वाई सम कंसल्टेशन कॉन्टैक्ट। व्हाट्सएप में कर सकते हैं क्या हुआ, नॉर्मल टेकिंग बात टुडे, यस हाँ टुडे, या इट्स पॉसिबल। सोच सोच के रो रही है। ओके कल फ्लाइट है हम लोगों का, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा जाने में फ्राइडे फ्लाइट में? नो प्रॉब्लम नहीं होगा। सॉलिड फूड नहीं, वॉट एवर फूड यू आर गिविंग बिफोर द ऑपरेशन, सेम फूड यू कैन गिव आफ्टर अ फ्यू डेज, टू थ्री डेज आफ्टर यू रीच होम। डोंट ट्राई टुडे एंड टुमारो इन द जर्नी, आफ्टर यू रीच होम यू कैन गिव, इज ऑलरेडी हील्ड। वो जो टीचर, वो कितने दिन में? 5 वीक्स और 5 हफ्ता लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट मंथ एंड तक पूरा निकल जाएगा। आप उसको नहीं हाथ लगाना, मुंह के अंदर तो आप लोगों का काम ही नहीं है, कुछ क्लीनिंग व्लीनिंग कुछ नहीं करना है, करोगे तो ब्लीडिंग आएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं करना अंदर। बाय 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 बाय। पीडियाट्रिशियन और उन्होंने काट लाओ ना, मर अलंदिदार काल है वो, अभी थोड़ा इतना 100% अच्छी नहीं है देखने में, थोड़ा अपसेट है उसको, थोड़ा बुखार नॉल नहीं है बट शायद भूख लग रही है थोड़ा। हाँ कल कौन सा टाइम आपका फ्लाइट? 1:40। ठीक है, बिकॉज क्या होता है ना, ये रेस्टलेस रहते हैं पैलेट सर्जरीज के बाद, तो दर्द होता है एक, फिर खाना नहीं जाता, भूख लगता है लेकिन खाते समय इनको दर्द होता है, तो फिर ये धीरे धीरे फीड करो, ठीक हो जाएगा। चलो ऑल राइट बाय। वो अंदर कोई मेडिसिन लगाना पड़ता है? नहीं नहीं, बोला ना अंदर आप कुछ मत करो। ओके ओके, हाथ नहीं लगाना है अंदर। थैंक यू सर, वेलकम। इनके कुबड़े शिवा लीला।